जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो सहानुभूति का पात्र नहीं है। हम इनको जगाने में लगे हैं, यदि नहीं जगते हैं तो इनकी कर्तव्यहीनता है। केवल किसी व्यक्ति और कुर्सी की आलोचना करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, भूलना भूलिएगा मत। दायित्व जितना उनका है, इस बिहार के प्रति उसे जरा भी कम हमारी राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, क्योंकि जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन आजकल उनके तेवर काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा पर वो लगातार हमलावर हैं, वहीं नीतीश कुमार के प्रति उनके तेवर नरम दिख रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या JDU और RJD नज़दीक आ गई है, क्योंकि पिछले दिनों भाजपा और JDU के बीच में काफ़ी तल्खियाँ देखने को मिली थी और दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ जगदानंद सिंह ने कहा। उनको भी तो 12.5 करोड़ आबादी की जिम्मेवारी है। बिहार सूखा से ग्रस्त है, हो सकता कि उनका मन में संवेदनशीलता के जो अंश बचे हैं वो बिहार की जनता को जो सूखा में पीड़ित हैं उनके प्रति अधिक उनकी जिम्मेवारी महसूस किए हों और ना गए हों, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई अन्यथा तराशने की चीज है। लेकिन सही कारण तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। जो संभावना है ये सुखाड़ परेशानी जो भी तत्काल है बिहार की, उसके लिए हो सकता है पीने का पानी नहीं, खेत सूख रहे हैं। पहली बार इतिहास में शायद वो बंगाल और बिहार का सूखा का हम लोग के पास नहीं है कि कैसा था, लेकिन 67 से 20 गुना बड़ा सूखा है। 67 के सूखे के हम गवाह हैं कि उसमें जा करके बाद में फसल की मैच्योरिटी पीरियड में जब अच्छी पौधे लग गए थे तब सूखा हुआ था और उसमें बहुत फसल लोग बचाए। आज के दिन उससे भी भयानक सूखा, एक तरफ प्रकृति के खिलाफ इस 12.5 करोड़ 13 करोड़ जनता की भूख की लड़ाई, और ऐसे में किसी जलसे में केवल मुख्यमंत्री न जाए जहाँ संवैधानिक जिम्मेवारी हो, तो वह संविधान के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं जो समझता हूँ ये होगा, लेकिन और भी बारे में स्पष्ट तो नीतीश जी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की गिरफ्तारी करने में पार्टी लगी हुई है, सब आपके बयान से ऐसा लग रहा है। किसकी गिरफ्तारी में लगे हैं? नीतीश कुमार की तरफ से आप बोल रहे हैं, सहानुभूति दिख रही है नीतीश कुमार के प्रति आपकी? कैसे, भूलिए मत, जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो सहानुभूति का पात्र नहीं है। मेरी भी एक भारत के नागरिक की चलती संवैधानिक जिम्मेवारी है और संवैधानिक जिम्मेवारी में केवल किसी व्यक्ति और कुर्सी की आलोचना करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, भूलना भूलिएगा मत। दायित्व जितना उनका है, इस बिहार के प्रति उसे जरा भी कम हमारी राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, क्योंकि जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। हम इनको जगाने में लगे हैं, यदि नहीं जगते हैं तो इनकी कर्तव्यहीनता है। लेकिन यदि जग के 12.5 करोड़ आबादी के कष्टों को समझ लिया, खेत और खलिहान की रक्षा और भूख से बिलबिलाती इस बिहार की समस्या हल करने में लगे हैं तो हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जगदानंद सिंह एक ओर जहां BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर अपने ऊंट पर दिए गए बयान पर हमलावर हैं, वहीं नीतीश कुमार की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या JDU फिर से महागठबंधन में शामिल होकर बिहार में सरकार बनाने जा रही है और BJP और JDU के का गठबंधन टूटने जा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।